हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो की भावना में खोने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एशियन पेंट ट्रैक्टर इमल्शन कैसे करते हैं। सो फ्रेंड, पुरानी दीवार पर कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। फ्रेंड, बगैर स्किप किए पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। बढ़ते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप कोई भी मार्का का निशान हो या फिर जेल पेन का निशान हो उसको निकाल दें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है। और कहीं भी पपड़ी निकल रहा हो उसको बहुत ही अच्छी तरह से खुरच कर निकाल दें और पूरी दीवार पर आप सैंडिंग कर लें 220 नंबर रेगमार से। अच्छे से घिसाई कर लें, कहीं भी निकलने वाला हो उसे आप फ्रेंड निकाल लें। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जेल पेन की स्याही लगी हुई है, इसे अच्छी तरह से निकाल देना है फ्रेंड। फ्रेंड, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही दीवार काली हुई पड़ी है, ये चमकती हुई कैसे दिखाई देगी आप लास्ट तक देखना। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पर कैसे करते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप कोशिश करें जो भी पेंट निकल रहा हो, प्लास्टर निकल रहा हो, आप उसे अच्छे से निकाल दें। यदि आपकी दीवार में सीलन का प्रॉब्लम है जिस एरिया में, वहाँ पर आप खुरच करके ब्लैक सीमेंट का घोल लगा दें। अगर सीलन का प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली इस पर रिपेयर करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे भी कैसे किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रोसेस से आप ट्रैक्टर इमल्शन कर सकते हैं और एशियन पेंट्स का एक्वालाइट कर सकते हैं और एलमोंड डिस्टम्पर ऊनो कर सकते हैं। इन तीनों का फ्रेंड सेम प्रोसेस होता है। अगर आपको दूसरा कोई आपके घर पे कोई इस तरह से पेंट हो रहा है तो आप सबसे पहले आप जानकारी ले लें। जब ही आप जान पाएंगे आपका पेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड इसे खुरच कर निकाल देना है, जितना निकलने वाला है सारा निकाल देना है अच्छी तरह से। यह फ्रेंड हमने निकाल दिया है सारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड यह है, इसका रिपेयर करना है। कैसे करना है रिपेयर ये भी जान लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप वाल पुट्टी ले लें। वाल पुट्टी आपका ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। और दूसरा पीओपी, दोनों हाफ हाफ लेके आप आपस में मिक्स कर लें। फ्रेंड, मिक्स करने के बाद आप इसमें 35 से 40% पानी मिक्स कर लें, ये एकदम पेस्ट की तरह बना लें इसे अच्छे से। फ्रेंड, इसका रिपेयर सूखी स्तर पर होता है, जहाँ पर गीली दीवार हो वहाँ पर रिपेयर ये नहीं चलेगा फ्रेंड। वहाँ आप कोशिश करना सीमेंट से रिपेयर करने की। जो दीवार जो वाल आपकी सूखी है आप वहाँ पर ही रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप अपने घर में ट्रैक्टर इमल्शन, एलमोंड डिस्टम्पर या फिर एक्वालाइट पेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप इसके अलावा कोई और पेंट करना चाहते हैं, रॉयल करना चाहते हैं, रॉयल साइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। फ्रेंड, उसके बाद क्या होता है, आप रिपेयर कर दें इसका, जितने भी एरिया में खुरचाई कर रखे हैं वहाँ पर सारे में आप रिपेयर कर दें। छोटे मोटे गड्ढे सारे आप इससे रिपेयर कर सकते हैं।
फ्रेंड प्रिपेयर करने के बाद इसका दो प्रोसेस होता है। अपनी एक होता सुरक्षा है आप प्रोसेस, गीले पे भी कर सकते हैं, और दूसरा है दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप सूखने का वेट करें। दोनों तरह से सही होता है फ्रेंड, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। जब सूख जाए ये दीवार, रेगमार लगा के आप कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी करना चाहते, गीले गीले पे आपको करना होगा फ्रेंड। जैसे ही आप प्रिपेयर कर लें, उसके 10 मिनट बाद ही आप इस पे कलर लगा दें। इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप ही तक का हमने जो भी वीडियो बनाया है, सूखे का बनाया है, आज हम फ्रेंड आपको बता रहे हैं यहाँ पर गीले पे कैसे कर सकते हैं। हमने अभी थोड़ी ही देर पहले रिपेयर किया हुआ है, अभी 2 से 3 मिनट हो रहा है, कम से कम 4 से 5 मिनट सूख जाएगा। फिर उसके बाद इस पे डायरेक्ट हम ट्रैक्टर इमल्सन लगा सकते हैं फ्रेंड। ट्रैक्टर इमल्सन आपका फ्रेंड वाइट कलर का आता है, आप इसमें अपने मर्जी मुताबिक कलर डाल सकते हैं, जो कि आपको पसंद हो कलर, हरा ना हरा, लाल, नीला, पीला, जो भी कलर पसंद हो आप अपने मर्जी के हिसाब से। स्टीनर आता है फ्रेंड, आप उसे इसमें मिक्स करके आप खुद ही कलर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। छत के लिए आप वाइट कर सकते हैं, उसमें डालने के लिए वायलेट आता है, जो कि नील की जगह पे वायलेट होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने वायलेट मिक्स किया हुआ है, और दीवार के लिए आपको जो भी कलर पसंद हो आप कर सकते हैं फ्रेंड। आप सिंपली जहाँ पे आप रिपेयर किए हैं वहाँ पे सिंपली आप गीले गीले पे भी कर सकते हैं, और सूखने का बेट, अगर सूखने का बेट करते हैं तो आपको 220 नंबर रेगमार से आपको सेंडिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जहाँ पर आपको हम बता रहे हैं गीले पे कैसे करना है, 2 से 3 मिनट आप छोड़ दें रिपेयर करने के बाद, उसके बाद डायरेक्टली ही आप ट्रैक्टर इमल्सन का कोट लगा सकते हैं, या फिर एलमोंड डिस्टेंपर का कोट लगा सकते हैं, या फिर एक्वा लाइट का। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी पेंट नहीं लगा सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं किसी और ब्रांड का है। यहाँ पर फ्रेंड एशियन पेंट्स का है, आप किसी और ब्रांड का, इन तीन क्वालिटी में, तीन कैटेगरी में अगर आप पेंट कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा। सो फ्रेंड, इस पे एक कोट लगा के आप छोड़ दें इसको सूखने के लिए। गीले पर लगाने का रीजन ये होता है, फायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है फ्रेंड, इसमें जो भी बाबरी होती है आपके ब्रश के साथ स्मूथ हो जाता है, इसलिए गीले पर लगाया जाता है। सूखने का बेट इसलिए करते हैं, सूख जाता है उसके बाद फ्रेंड डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट पेंट लगा देते हैं बगैर सेंडिंग किए, बगैर रेगमार लगाए, तो जो भी आप रिपेयर किए रहते हैं उसका ओवर वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है पीओपी, वो साफ साफ नजर आता है, इसलिए हम सेंडिंग करते हैं। और गीले पे लगाने पर ये रहता है, ब्रश के साथ पूरा अच्छे से जॉइंट उसका घिस जाता है, जो इक्वल लेवल में आ जाता है, इसलिए हम गीले गीले पर इसके कोटिंग करते हैं। सो फ्रेंड, पहला कोट लगाने के बाद इसको आप 2 से 3 घंटे छोड़ दे सूखने के लिए। अगर आपका पेंट 1 घंटे में सूख रहा है अच्छे से, तो भी आप कोट लगा सकते हैं, डबल सेकंड कोट लगा सकते हैं फ्रेंड। अगर ये 3 घंटे नहीं सूखा है तो आपको सूखने का वेट करना पड़ेगा, जब ही आप सेकंड कोट लगा सकते हैं फ्रेंड। अगर आप सेम कलर कर रहे हैं तो आपको 2 कोट लगाने होते हैं, अगर आप सेम कलर नहीं कर रहे हैं तो 2 से 3 कोट भी लग सकता है फ्रेंड। फ्रेंड, इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करना। अगर वीडियो लाइक अच्छी लग रही है, अच्छी है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। सो फ्रेंड, अगर आप लाइक कर सकते हैं, कर देते हैं, तो लाइक से हमें उत्साह मिलता है और एक और नई वीडियो, नई जानकारी देने की चाह बनती है। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड, अगर हम आपको ये भी बता देते हैं, हमें
सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं मिलता है। आप अगर हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के फैमिली मेंबर में आप जुड़ जाते हैं। सो फ्रेंड, हमारे फैमिली मेंबर में जुड़ने के लिए, हमारे इस टीम में जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमने सेकंड कोट लगा दिए हैं, यहाँ पर एकदम बढ़िया आ गया है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो भी निशान हल्का फुल्का दिख रहा है फ्रेंड, ये बिल्कुल प्रॉपरली सूखते ही बिल्कुल गायब हो जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? और फ्रेंड, आपको किस वीडियो की जानकारी चाहिए, कौन से पेंट की जानकारी चाहिए, आप हमें कमिट जरूर करना। फ्रेंड, अगर आप हमें कमिट करते हैं, रिप्लाई हम आपको अवश्य देंगे। और कोई भी पेंट हो, कोई भी डिजाइन हो, आप हमसे जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, फ्रेंड हमें कमिट अवश्य करना। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।